So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishiv. your faculty of English. I hope you all are doing fine. And uh, as you have heard about your notification, I hope that you are preparing well for your examination. And uh, along with that, as I told you in the previous section, previous lecture, that uh, English ka jo aapka role hai, that is going to be very crucial because pre me or rahega rahega, mains or interview may be uh, either it's subjective or either it's your communication. Okay. बोथ आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर प्रोसेस ठीक है लाइक टू से जैसा कि मैंने लास्ट में भी बताया था पहले भी आपको बता चुका हूं कि इफ यू आर रीडिंग न्यूज पेपर दैन इट्स गुड फॉर यू एंड इफ यू आर नॉट रीडिंग प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट ओके एंड आज के सेक्शन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीवियस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस एच सी एस हरियाणा एग्जामिनेशन

ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी ओके सो यह आपका वेरी कर रहा है हर एग्जाम में सो इवन वी डोंट नो दिसम की कितने क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आएंगे सो so, आपको प्रिपेयर रहना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड रहेंगे ओके सो मेंटली उस चीज के लिए तैयार रहिएगा एंड प्रिपेयर करिए प्रीवियस क्वेश्चन करने का यही बेनिफिट होता है सो so दैट आपको एक आइडिया लगे दैट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ओके okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को सो एज यू ऑल नो दैट अभ्यास 2.0 हैज बीन स्टार्टेड एंड जो भी इंटरेस्टेड interest, है ठीक है यू कैन गो फॉर द कोर्सेस आल्सो इन दिस कोर्स यू विल गेट 75 डेज का ही कोर्स रहेगा लाइव बैचेस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी इसमें एंड अलोंग विद दैट आपको इसमें जो भी एडिशनल चीजें जैसे कि टेस्ट सीरीज हो गया है ना पी हो गया स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी मेंटोरशिप आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज सी सेट क्लासेज पी डी नोट्स ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज ठीक है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ठीक है एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर ही करिएगा क्योंकि ऑफिशियल साइट से पेपर लिया गया है सो so, पता नहीं जिस इंसान ने अपलोड करा था किस तरीके से अपलोड करा था पेपर वो क्वाइट Uh, एक ऐसे थी टेडी मेडी फोटोस थी तो ये हमारा कॉम्प्रीएंशन है ओके okay? इसको आपको पढ़ना है एंड इसके बेसिस पे चार क्वेश्चन होंगे जिनको आपको आंसर करना रहेगा ओके okay? सो so, पढ़ते हैं पैराग्राफ को फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा जैसे कि uh, मैंने हर लेक्चर में आपको ये चीज पे एम्फेसाइज़ करा है जब भी, भी आप कॉम्प्रीएंशन सॉल्व करते हो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ओके आप क्वेश्चंस को पढ़िए सो दैट वहां से कीवर्ड्स उठाइए और उन कीवर्ड्स की हेल्प से फिर जब कॉम्पिटेशन पढ़ोगे प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग द क्यूरीज डैश कोलेबोरेशन हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम कुछ कोलेबोरेशन की बात हो रही है ना सेकंड हमारा है मैरी हैड ब्राइट माइंड एंड डैश पर्सनैलिटी कुछ

ठीक है कोलेबोरेशन आपका की हो गया सेकंड में आपको कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ ढूंढना है राइट right? थर्ड में आपको कुछ यूनिवर्सिटी जब में जब उसका एडमिशन या जो भी था कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है एंड वन इज मैरी पोलैंड एंड ट्रेवलिंग टू फ्रांस टू एंटर मिनट एंटर द सोरमोन अब इसके लिए आपको वही देखना पड़ेगा कि जब उसने पोलैंड को लीव करा तो क्या करा उसने बाई लिविंग दोलैंड चैलेंज करा अथॉरिटी को शो करा इंटेलिजेंस जो भी था हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे और वहां पे हम इनको ढूंढेंगे ओके चलिए कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं मैरी क्यूरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश साइंटिस्ट इन हिस्ट्री टुगेदर विद हर हस्बेंड पियरी शी डिस्कवर्ड रेडियम एन एलिमेंट नाउ आपको यह भी पता होना चाहिए वैसे कि मैरी क्यूरी ने क्या फाउंड करा शी फाउंड शी डिस्कवर्ड रेडियम ओके फिर आगे बोलता है एन एलिमेंट वाइडली यूज फॉर ट्रीटिंग कैंसर एंड स्टडीड यूरेनियम एंड अदर रेडियो एक्टिव सबस्टांसिस पेयरी एंड मैरी मैरीज एमिकेबल एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली एमिकेबल कोलेबोरेशन लेटर हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम अब एमिकेबल देखो यहां पर वर्ल्ड आ गया और कोलेबोरेशन भी आपको यहां पर दिख गया तो इससे आपको कुछ बात समझ आई दिस इज जब आप क्वेश्चन को पहले पढ़ते हो तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे आपको फटक से वो चीज दिख जाएगी वो था ना द सीक्रेट्स ऑफ क्वेश्चन देखा अपने फर्स्ट क्वेश्चन आएगा द क्यूरीज कोलेबोरेशन डैश कोलेबोरेशन हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ कैसी कोलेबोरेशन थी अब उसने क्या करा एग्जामिनर ने क्या करा दैट डायरेक्टली आपको एमिकेबल नहीं पूछा उसने, उसने उसने आपको दिया दिया ही नहीं ऑप्शन में। उसने दे मींस इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपसे सिनोनिम्स पूछ रहा है आपने आपको उसने डायरेक्टली ना देखिए उसके सिनोनिम के फॉर्म में आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिए अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी है तो ईजिली आप इसका आंसर कर पाओगे आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर वन मैंने वैसे आपको पहले बता दिया था कि एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली ओके एंड तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया दिस इज दैन यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन यू रीड द कॉम्प्रीहशन जो आपके की वर्ड होंगे जो आपने मार्क करे होंगे कीवर्ड्स वो आपको हेल्प करेंगे वहां पे जल्दी से समझने में कि कहां पे आपको आंसर मिल सकता है ओके okay? सेकेंड में हमारा था कुछ पर्सनैलिटी के रिलेटेड चलो फिर वो भी पढ़ते हैं

तो आप इसमें फंस जाओगे ओके okay? चलिए इसको भी देखते हैं तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया हर ग्रेट एक्स्यूबरेंस फॉर लर्निंग प्रॉम्प्टेड हर टू कंटिन्यू विद हर स्टडीज एक मिनट स्टडीज आफ्टर हाई स्कूल ओके शी बिकेम डिसग्रंटल्ड। हाउ एवर वेन शी लर्न दैट द यूनिवर्सिटी इन वोर्सो वॉज क्लोज टू वुमेन डेटर टू रिसीव हायर एजुकेशन शी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड ठीक है एंड इन एटीन नाइनटी वन एंटर देंच यूनिवर्सिटी वीयर शी अब इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है ठीक है क्योंकि फ्रेंच यूनिवर्सिटी है अब फ्रेंच में तो कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे ओके सो अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी वी आर शी अर्न मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स मैरी वॉज फॉर्चुनेट टू हैव स्टडीड एट द सोरबोर्न विद समी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हर डे वन ऑफ द होम वन ऑफ होम शी वॉज One of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre was married in 1895 and spent many productivity, productive years working together in the physics laboratory a short time after they discovered radium. Pierre was killed by a horse-drawn wagon in 1906. Mary was stunned by this horrible misfortune and she endured heartbreaking anguish. Despondently, she recalled their close daughters to uh, she she recalled their close relationship and the joy that they had shared in scientific research. the fact that she had two young daughters to raise by herself greatly increased by her distress. curious feelings of the of desolation. desolation, kamathava distress, feeling, right? desolation finally began to fade when she was asked to succeed her husband as a physics professor at the sorbonne university itself right she was the first woman to uh, to be given a profession uh, professor to be given a professorship okay to radium professorship at the world famous university in 1911 she received the nobel prize for the same in chemistry for isolating radium Although Marie Curie eventually suffered a fatal illness from her long exposure of rad to radium, she never became disillusioned about her work. Regardless of the consequences, she had dedicated herself to science and to revealing, revealing the mysteries of the physics world. Mysteries of the physics world. Hai. Ab, dekho. First question ka answer milchuka has second cancer, pe blithe personality, right? तो ब्लाइथ का अगर आपको मीनिंग पता होगा नहीं भी पता तो यहां से देखिए अब मैरी हैड ब्राइट माइंड एंड ब्लाइट का मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग ह्यूमरस स्ट्रेंज या फिर लाइट हार्टेड ब्लाइट का मतलब होता है तो खुश मिजाज है ना तो ह्यूमरस तो नहीं होगा लाइट हार्टेड पर्सनैलिटी होगा इसका ठीक है सेकेंड देखिए वेन शी लर्न दैट शी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन कुटीसो शी लेफ्ट शी फेल्ट होपलेस या फिर वरिड हमने यहां पे पोलैंड के बारे में पढ़ा था ठीक है मैरी वॉज फॉर्चुनेट टू हैव स्टडीड इन स्टडी अच्छा ये देखा शी देखाइंटली लेफ्ट पोलैंड एंड इन एटीन नाइनली का मतलब क्या होगा बताइए होपलेस होगा एनॉयड होगा डिप्रेस्ड होगा या वर्ल्ड होगा बताए क्या इसका आंसर होगा डिफाइंड का डिफाइंड का मतलब होगा डिप्रेस्ड काइंड ऑफ वैसे काफी सिमिलर है क्योंकि देखो यहां पे डिफाइंड का मतलब एन, ए, भी जा सकता है ठीक है डिफाइंड का मतलब जो है आपका फर्स्ट का तो हो गया फ्रेंडली सेकंड का हो गया लाइट हार्टेड थर्ड का डिफाइंड डिफाइंड है अब का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो दिक्कत होगी अब यहां पे देखो एक डिप्रेस्ड है एक एनोइड है तो क्या होगा शी फेल्ट एनोइड या डिप्रेस्ड थोड़ा उसको एनोय लगा क्योंकि वहां पे वुमेन की वुमेन की, एं, की एं, एंट्री जो थी दैट वॉज क्लोज ओके मैरी डैश बाय लिविंग पोलैंड एंड ट्रेवलिंग टू फ्रांस टू एंटर द सोरबोन मैरी ने क्या करा उसने चैलेंज करा अथॉरिटी को बाय लीविंग पोलैंड एंड ट्रेवलिंग टू फ्रांस टू एंटर द सोरबोन. ठीक है ना इसका ए होने वाला है ठीक है इसका चेक कर लेते हैं एक बार आंसर. फर्स्ट का ए सेकंड का बी थर्ड का भी बी एंड फोर्थ का हमारा फिर से ए ठीक है हाँ तो यहां पे आपका एनोइड ही आएगा क्योंकि यहां पे डिप्रेस है तो जो डिसीजन था दैट द एंट्री ऑफ वुमेन वाज क्लोज्ड इट वाज अ डिसीजन व्हिच मेड हर फील लाइक एनोइड नॉट डिप्रेस्ड ओके कि कैसा डिसीजन है जहां पे वुमेन की एंट्री ही क्लोज कर दी राइट नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं ओके okay? अब सेम चीज करेंगे एक बार क्वेश्चंस को देखिए ठीक है, है अब इस कॉम्प्रीहेंशन पे ना यहां पर एक बार एक चीज नोट करिएगा फाइव टू तो एट की बजाय यहां पर फाइव टू तो ट्वेल्व करिए क्योंकि इस कॉम्प्रीहेंशन में तो तो क्या इस comprehension से आपको 8 questions आए थे 2021 के paper में, okay. तो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई आ, ये मत सोचिए आए हो सकता है टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन आ जाए ठीक है इवन यू डोंट नो क्या इसका पैटर्न रहेगा इंग्लिश का क्या वेटेज रहेगा ठीक है exactly क्योंकि वो हमेशा हर एग्जाम के साथ में दैट वॉज अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है क्वेश्चन अब लास्ट ईयर देखा जाए तो क्वेश्चन कम आए थे देर आर चांसेस चांसेसारेंगे क्वेश्चन इस बार ज्यादा आएंगे ओके okay. इस बार ज्यादा आएंगे इंग्लिश के और कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ में आपको वोबलरी पे भी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो डायरेक्टली नहीं भी आएगी तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में जैसे लास्ट जो पैराग्राफ था इट वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर योकैबलरी क्योंकि वो क्या कर रहा था एग्जामिनर ही गिविंग अ वर्ड और उसके सिनोनिम्स आपसे पूछ रहा था कि क्या इसका यहां पर फिट बैठेगा

लो नहीं है लो की वहां पे प्रॉपर देख रेख नहीं है तो क्या लिबर्टी है फ्रीडम लिबर्टी का मतलब फ्रीडम अनाकी या फिर रीजनेबल या फिर प्रिजर्व ये तो नहीं होने वाला प्रिजर्व है ना रीजनेबल भी नहीं होने वाला लिबर्टी का मतलब आपको हो सकता है कि सोचो कि दैट लिबर्टी कुड बी द राइट आंसर बट नहीं इसके लिए जो एक ऑफिशियल इसके लिए एक वर्ड होता है दैट इज कोल्ड अनाकी लैक ऑफ गवर्नमेंट ठीक है लैक ऑफ गवर्नमेंट इज कोल्ड अनाकी वर्नमेंट इज कोल्ड अनार्की ठीक है इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा ऑप्शन बीज गोइंग टू राइटर ठीक है वर्ड रिड्यूस्ड अब इसके लिए हमें कॉम्प्रशन पढ़ना पड़ेगा चलो फिर वापिस से कॉम्प्रशन पर वापिस आते हैं एवरीबडी वुड वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्स इज वे एंड नो बडी वुड गेट एनी वे इंडिविजुअल लिबर्टी वुड है there is a danger of the world getting liberty drunk in these days like the old lady with the basket and it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means it means that in order that the liberties of all may be preserved the liberties of everybody must be curtailed ka hota hai usko ke rakna, rokna. when the policeman say एट पिकाडली सर्कस स्टेप्स इन टू दिडल ऑफ द रोड एंड पुट्स आउट हिज हैंड ही इज द सिंबल नोट ऑफ टाय बट ऑफ लिबर्टी अब का का क्या होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए टायरे का मीनिंग होता है काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप जैसे है ना बट ऑफ लिबर्टी यू में नोट थिंक सो यू मे नोट थिंक सो यू मे बींग इन अरी And seeing your car pulled by pulled up by his insolence of office, feel that your liberty has been outraged. How dare this fellow interfere with your free use of the public highway? Then, if you are a reasonable person, you will reflect that if he did not interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be that Piccadilly Circus would be a मैथम दैट यू वुड नेवर क्रॉस एट ऑल यू हैव सबेड टू अंटेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी इन ऑर्डर दैट यू में सोशल ऑर्डर विच यू विच योर लिबर्टी और रियालिटी ठीक है तो लिबर्टी के बारे में ही बात कर रहा है ठीक है और एक जनरल सा टॉपिक है ठीक है कोई ऐसा कोई बड़ा किसी के ऊपर नहीं है नॉर्मल एक लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है ओके तो चले फिर क्वेश्चन को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा हो ही गया था इसका, है बार बार पैराग्राफ में बट इसमें यहां पे क्या करा अब क्वेश्चन में कर्टेल वर्ड ना देखे रिड्यूस वर्ड पूछ लिया कर्टेल का मतलब वही होता है कम करना या रोकना या रिड्यूस करना ठीक है अब देखिए उसने पूछ लिया कि कौन सा ऐसा हमारा स्टेटमेंट है जो इस वर्ड को डिस्क्राइब करता है द लिबर्टीज ऑफ लिबर्टीज फॉर एवरीबडी मस्ट बी कर्टेल्ड या लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व या इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल अनार्की और डी पार्ट दैट यू मे एंजॉय अ सोशल ऑर्डर विच योर लिबर्टी और रियलिटी ओके ओके तो कौन सा ऐसा हमारा

ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है ठीक है तो बात वही है कि अगर आपका वोबलरी वाला पार्ट अच्छा है तो आप आराम से इन चीजों को समझ के कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है उसके बाद में कॉम्पिनेशन अब जैसे मुझे तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन देखना पड़ रहा है आपके पास में पेपर होगा तो आप फटाफट से एक लुक दीजिए क्वेश्चन पे स्किमिंग करिए वहां पे एक एक कीवर्ड एक एक वर्ड जो उनका मेन क्वेश्चन का जो कीवर्ड होगा उसको लिख के देन फटाफट से आप कॉम्पिनेशन पढ़ के जब

तो मैंने आपको बताया भी थी कि का मतलब क्या होता है काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप तो मोनार्की होगा मोनार्की तो मतलब वो है जहां पे किंग का रूल है रूल ऑफ किंग ठीक है मोनार्की मतलब रूल ऑफ किंग उसको बोलते हैं मोनार्की ओके रूल ऑफ किंग राइट फिर हमारा ऑटोक्रेसी ऑटोक्रेसी का मतलब होता है डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी तो आपको पता ही नन ऑफ इसका राइट आंसर नहीं होगा ये भी नहीं होगा राइट आंसर वुड बी ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है डिक्टेटरशिप ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी ऑप्शन राइट आंसर, ओके, मतलब फाइंड फाइंड नाउन, नाउन अब आपको दैट यू वुड नेवर क्रॉस एट ऑल पिकाडली आएगा सर्कस आएगा मेलस्ट्रोम आएगा या क्या आएगा इसमें नाउन क्या है बताइए इससे पहले कोई सेंटेंस था इसलिए वहां पे डॉट डोर लगा रखा क्योंकि इससे पहले हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा था द रिजल्ट वुड बी दैट पिकार्डली सर्कस पिकार्डली सर्कस जो है वुड बी अलस्ट्रॉम दैट यू वुड नेवर क्रॉस एट ऑल बताइए कुछ को लगेगा सर्कस भी है कुछ को लगेगा पिकार्डली पिकार्डली होता क्या है कि एक जगह ही है वैसे देखा जाए तो ठीक है एक जगह का नाम है पिकार्डली सर्कस तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक मिनट हाँ देखो अब सर्कस जो है हमारा वो हमारा नाउन होता है बट ये किस टाइप का नाउन है ये समझिए सर्कस जो है ये एक हमारा आ, ऐसे समझ लो कि प्रॉपर नाउन नहीं, ये कॉमन नाउन है कि वो सर्कस किसी भी टाइप का हो सकता है ठीक है कॉमन नाउन में आ जाएगा ये पिकार्डली एक जगह का नाम है ठीक है पिकार्डली सर्कस ठीक है तो ये भी हमारा नाउन हो जाएगा ये भी नाउन हो जाएगा वुड बी अब ये भी हमारा नाउन की ही कैटेगरी राइट आंसर ऑप्शन डी क्योंकि ये दोनों वैसे नाउन थे तो आप थोड़ा सा समझ सकते थे कि आपसे तो आप पूछ लिया उसने एंटोनिम तो आप एक चीज नोट कर रहे हो यहां कि अल्टीमेटली इन कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आपसे या तो एंटोनिम या फिर आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है ओके लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व प्रिजर्व का मतलब क्या होगा यहां पे? बताए एंटोनियम बताना याद रखिएगा प्रिजर्व का मतलब तो वैसे होता है सेव करना तो मेंटेन तो नहीं होने वाला डीकम्पोज होगा अनपोल्यूटेड होगा या अनडिकम्पोज होगा प्रिजर्व प्रिजर्व करना मतलब उसको सेव करके रखना तो उसका आंसर हो जाएगा डीकंपोज करना उसको ठीक है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इजी दन ओके क्वेश्चन नंबर टेन देखिए सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रॉसिंग एवरी वन पार्थ मे नोट लीडियो अब यहां पर लीड उसने गलत नहीं लिख दिया यहां पर लीड तो वैसे ऐसे वाला लीड आना चाहिए था एलई एडी ओके बट आपके सामने क्वेश्चन वैसा ही था जैसा था मैंने वैसा एज इट इज पिक्रॉसिंग एवरी वन पार्थ मे नोट लीड अस एनिवियर क्या हो सकता है इसका एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे एंड नोबड़ी वुड गेट एनी या फिर इंडिविजुअल लिबर्टी वुड स्टेबिलिटी या फिर प्रिजर्विंग लिबर्टीज ऑफ एवरीबडी मस्ट बी कटेल्ड क्रॉसिंग एवरीवन पाथ मे नॉट लीड अस ठीक है इसका राइट आंसर फिर ऑप्शन ए ही जाएगा जहां तक लग रहा है देखिए बोल रहा है एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे हर कोई किसी और के रास्ते में आ रहा है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है एंड नो would वुड गेट कोई भी कहीं भी नहीं पहुंच रहा okay. Let's see, इसका आंसर क्या है Verify कर लेते हैं. Option A ही इसका जाएगा. देखिए. इससे पहले कुछ हमारा में पार्ट रहा होगा डैश फील दैट योर लिबर्टी हैज बीन आउटरीच बताइए क्या होगा फाइंड दि वर्ब इसमें जाएगी उटरेस्ड लिबर्टी बताइए बताइए तो आप भी कर सकते हो है ना फील होगा अब देखो यहां पे लिबर्टी एक काइंड kind ऑफ of हमारा नाउन है मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा ठीक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो लिबर्टी तो नहीं होने वाला ओके okay. और हैज बीन आउटरेज्ड

जब आप एक्सट्रीम लेवल जो आपकी सोचने की जहां तक एकदम वंस विट्स एंड मतलब बिल्कुल लास्ट तक सोच रहे हो कि वट कैन आई डू नाउ है ना पूरा दिमाग लगा के तो मतलब आ, सोचने समझने की नहीं होना, right? so right का मतलब तो मैंने आपको बताया रिड्यूस करना या रोकना किसी को अनारकी तो आपको पता ही है ठीक है लैक ऑफ गवर्नमेंट इंसुलेंस रूड इंसुलेंस का मतलब होता है रूड ओके okay. एक बार कंफर्म करना इंसुलेंस का मीनिंग वैसे एक इंसुलेंस होता है एक इंसोलमेंट होता है इंसॉलमेंट तो वैसे दिवालिया होता है इंसुलेंस रूड होगा इंसुलेंट इंसुलेंस से एक इंसुलेंट भी बनता है इंसुलेंट तो ये रूडनेस की वैसे रूड नहीं यहां पे रूडनेस आएगा ठीक है एडवर्ब के सेंस में जाएगा ये तो विटलेस का हमारा हो जाएगा रीजनेबल लेट्स सी ऑप्शन सी इसका राइट right आंसर है ओके okay? सो so, ये आपका पार्ट वन था 2021 के पेपर का ठीक है एक मिनट इसको क्या हो गया राइट सो जस्ट अ मोमेंट ओके दिस वॉज पार्ट वन ओके एंड आई विल कम अप विद द पार्ट टू जिसमें हम is, कि हम बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बट द थिंग इज की क्वेश्चन पेपर जो था थोड़ा सा इट वॉज वेरी मतलब जो पिक्चर्स ली गई थे ली गई हैं वो अजीब सी पिक्चर्स थी ऑफिशियल साइट से पेपर लिया बट आई ट्राईट कि जैसे जैसे वे इसको कर सकता वैसे मैंने ट्राई करा है ठीक है और वेरी सुन uh, जैसे ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन खत्म होते हैं uh, उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से एंड डेफिनेटली मैं आपकी वोकेबलरी में थोड़ी सी हेल्प करूंगा जिससे कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए क्योंकि अल्टीमेटली मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ एक कॉम्प्रिहेंशन तो सिर्फ बोलने के लिए है यहाँ पे वो आपका नाउन का भी चेक कर रहा है ठीक है और आपका प्रोनाउन का भी चेक कर रहा है कि नाउन प्रोनाउन आपका किस तरीके से आप उसको डील कर रहे हो नाउन हो गया प्रोनाउन तो वैसे अभी पूछा नहीं है ठीक है वर्फ के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं वोकेबलरी वाला पार्ट आपका अल्टीमेटली ठीक है जैसे कि वोकेबलरी में आपसे पूछ लिया सिनोनिम्स पूछ रहा है ना ये तो पूछ ही रहा है आपसे एंटोनिम्स पूछ रहा है बोलने के लिए कॉम्प्रीहशन है ठीक है बट अल्टीमेटली वो थोरो नॉलेज आपकी चेक कर रहा है कि आपका एंटोनिम्स पे कैसी ग्रिप है सिनोनिम्स सिनोनिम्स कैसे आपके ग्रीप आप है उन चीजों को ठीक है आर यू हैविंग दैट नॉलेज एंड वो आपके थोड़ी सी ग्रामेटिकल भी चीजें चेक कर रहा है ठीक है हो सकता है इस बार कुछ वेरिएशन मिले क्योंकि अल्टीमेटली एक सिविल uh, सर्विसेज का एग्जाम है सो यू कैन नॉट प्रिडिक्स कि क्या चीजें आपके सेम रहेंगी या नहीं रहेंगी ठीक है सो यू हैव टू रेडी फॉर ऑल द थिंग्स कि अगर कुछ भी चेंज होता है सो यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी राइट तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर बाय बाय और ये चीजें सिनोनिम्स आपके एंटोनिम्स हो गया नाउन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज वर्ब के प्रोनाउन भी पढ़ी लीजिए ठीक है हाँ एक चीज और मैं ऐड करना भूल गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ठीक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपसे पूछ रहा है तो ये भी आप कर लीजिए ठीक है so, सो चलिए एंड करते हैं सेशन आ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत